एवरीवन, बेटा जब आप क्लास में अपने दोस्तों से बात करते हो और दोस्त आपकी बात का जवाब देता है और आप उसकी बातों को समझते हो तो किसके द्वारा समझते हो, वो क्या चीज़ है? बेटा ये चीज़ है हमारी भाषा। क्या ये साधन है? भाषा। अब देखो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो क्या है? भाषा। भाषा के बेटा रूप भी होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक है मौखिक और एक है लिखित। इसकी मौखिक की परिभाषा है, जब हम बोलकर अपनी बात बताते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। बेटा ध्यान से सुनो, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर यानी कि मुंह के द्वारा बोलते हैं और दूसरा हमारी बात को सुनता है और समझता है, उसे क्या कहते हैं हम? मौखिक भाषा। जैसे नैन्सी गाना सुन रही है, नैन्सी गाना सुन रही है, गाना कोई गा रहा है तभी तो नैन्सी सुन रही है ना, तो इसका क्या मतलब है? नैन्सी गाना सुन रही है, ये क्या एग्जाम्पल है? किस चीज का एग्जाम्पल है? मौखिक भाषा का। ऐसा ही हमारा दूसरा पार्ट है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कोई भी चीज, हमने एक पत्र लिखा और वो पत्र हमारा दूसरे व्यक्ति ने पढ़ा और उसको समझ में आ गई कि पत्र लिखने वाले ने क्या संदेश भेजा है, तो उसे क्या कहते हैं? वो कौन सी भाषा के रूप में आता है? हमारा लिखित भाषा के रूप में। जैसे भव्य पत्र लिख रहा है, ये हमारा लिखित भाषा का उदाहरण है। बेटा वैसे तो हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, कोई संस्कृत बोलता है, कभी